तो डायरेक्टर मिस्टर हुंडल हैं, जो कि मेरे थिएटर के डेज में एक पंजाबी हुंडल मेरे साथ थे, तो उससे मुझे को रिलेट हो गया कि वो हुंडल थे, ये भी हुंडल है, बढ़िया अच्छा एक्टर था, ये भी बढ़िया डायरेक्टर है, और बड़े मिलनसार और बहुत ही प्यार से, जैसे बच्चे से काम लिया जाता है वैसे अपने एक्टरों को ट्रीट करते हैं, वैसा काम लेते हैं, तो एक्टर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं इनके साथ, क्योंकि दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं, कोई ईगो नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, प्यार से काम होता है, और पंजाबी लैंग्वेज ही थोड़ी ऐसी है कि अपने आप में कॉमेडी रहती है उसके अंदर। बिल्कुल। तो डायरेक्टर जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रदीप तो सक्सेना को, कैसा मैं रहेगा? अपने अपने दोस्तों को, जो भाई लोग देख रहे हैं, उनको मैं अपने डायरेक्टर से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि ये है मिस्टर हुंडल। सत श्री अकाल बोले महाराज, सत श्री अकाल जी, और जिंदाबाद रहन जा रही है। जिंदाबाद रहन जा रही है। तो आपने, आपके साथ में शूट किया प्रदीप सर, कैसा था आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा बताइए। थोड़ा थोड़ा अच्छा ही बोलना यार। नहीं, मेरा तो बहुत बढ़िया ही, क्योंकि देखो एक बंदा सोच रहा हूं ना कदे के मैनू कदे मौका मिलेगा तो मैं ऐसे मंजे हुए एक्टरां नू कदे एक्शन बोलूंगा। तो मेरी खुश नसीब भी है कि मैं पहली फिल्म जो की थी उदों ओम पुरी साहब नू एक्शन बोलिया, तुसी आए मेरी फिल्म च, तो मैं नो डाउट इन्होंने जो पहली फिल्म अपनी जीवन की थी उसमें ओम पुरी साहब थे। अब हम सबको मालूम है कि ओम पुरी साहब कितने बड़े महान एक्टर रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहुंदा कि जदों इन्हां नाल फिल्म कीती है, और सब तो वधिया गल पता की हुंदी है, एक्टर जिहड़ा ऑनेस्ट एक्टर हुंदा वा, वो आप ही अपनियां सारियां चीजां जिहड़ियां वो दस दिंदा भी आपां इदां इदां कर सकते, इदां इदां कर सकते, और जदों आपां स्क्रिप्ट ते इन्हां ने पूरा अपना ध्यान दिता, उस ध्यान दे विच फिर जिहड़ा करैक्टर चाहीदा सी मैनूं निकल आया। वाह 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 वाह। और मेरे लिए वड्डी गल की सी कि मैं इन्हां नूं पहलां फिल्मां च ही देखिया सी, मेरी फिल्म च आए ने, मैं इन्हां नूं एक्शन बोलिया, मेरे लिए वड्डी गल है। वाह वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि उंडर साहब की पंजाबी आप लोगों को बड़ी सिंपल सी पंजाबी है, तो शायद पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इनकी पहली फिल्म इन्होंने जो थी ओमपुरी साहब को डायरेक्ट किया था, तो वहीं से बहुत बड़ी बात हो गई। फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो दूसरे एक्टर इनके साथ काम करेंगे तो वो अगर एक्सपीरियंस हैं तो जाहिर है कि बढ़िया काम करेंगे, तो वो उम्मीद भी इनकी अगली इस फिल्म से पूरी हो गई। इसमें भी अच्छे एक्टर्स हैं बिल्कुल, बम्बई और के और भी। सबसे ज्यादा मतलब जो थैंक्स है उसके लिए, मतलब राजा विक्रम सिंह एंड रनिंग हॉर्सेस जो प्रोडक्शन हाउस है उसकी वजह से हम इकट्ठे हैं, हम करते हैं, करते हैं। उनका भी बड़ा योगदान है, बहुत क्योंकि बहुत हमने उनके जो पैसे हैं मतलब काफी लगवाए हैं ना, तो फिर पैसे भी आ एक बड़ी बजट की पंजाबी फिल्म है ये, और हम सब जानते हैं कि फिल्में बनाना कितना डिफिकल्ट होता है। न सिर्फ शूटिंग और स्क्रिप्टिंग वगैरह डिफिकल्ट होती है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, तो वो भी एक प्रोड्यूसर के सर पे वजन और तलवार लटकी रहती है। लेकिन अच्छी तो फिल्म, रांझा साहब ने वो तमाम जिम्मेदारियां बड़ी बेहतरीन तरीके से पूरी निभाई है। क्या बात, सही है। और एक बहुत शानदार फिल्म लेके आ रहे हैं। तो जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? ऑडियंस को एक ही बात कहेंगे, 28 अप्रैल को आना है सिनेमा घरों में, और आप सर बोल दीजिए कि हिंदी में भी देख लीजिए, मराठी में भी देख लीजिए, पंजाबी में सब, 28 अप्रैल को सब आ रही है। हाँ, सब तो भाइयों भाइयों और बहनों, 28 अप्रैल को अपना टाइम थोड़ा निकालिएगा और थिएटर में जाके पंजाबी हिंदी मराठी जिसको तीन लैंग्वेज में ये फिल्म आ रही है, तो प्लीज कम से कम एक लैंग्वेज में तो देख ही लेना यार। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, योर टाइम टू अस, एंड प्लीज वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 28 अप्रैल, दिस मंथ। ऑल द बेस्ट।